हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है विशाल त्यागी। आपका स्वागत है हमारे चैनल विशाल त्यागी ब्लॉगर एंड डिजिटल मार्केटर पर। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे, अगर आप अपने गूगल टैग मैनेजर अकाउंट का एक्सेस अदर यूजर को प्रोवाइड करना चाहते हैं या उस यूजर को एक्सेस से रिमूव करना चाहते हैं तो वो कैसे करें। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले, अगर आपने हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको यहाँ पर वर्डप्रेस ब्लॉगर गूगल टैग मैनेजर गूगल एनालिटिक्स से रिलेटेड फ्री कॉन्टेंट मिलेगा और बेल आइकन को प्रेस करें जिससे आपको अपने वीडियो को नोटिफिकेशन तुरंत मिले। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करें और बेल आइकन को प्रेस करें। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले, अगर आप ये जानना चाहते हैं कि ब्लॉगर की वेबसाइट में गूगल टैग मैनेजर का कोड सक्सेसफुली कैसे इंस्टॉल करें तो आई बटन पर जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर अपने गूगल टैग मैनेजर अकाउंट को ओपन करना होगा। अगर आपकी जीमेल आईडी यहाँ पर लॉग इन होगी तो आपका गूगल टैग मैनेजर अकाउंट सक्सेसफुली ओपन हो जाएगा। तो आप गूगल में गूगल टैग मैनेजर सर्च कीजिए, फर्स्ट लिंक पर क्लिक कीजिए। यहाँ पर आपको आपका गूगल टैग मैनेजर के लिए आपको साइन इन करने के लिए कहेगा, तो साइन इन टू टैग मैनेजर पर क्लिक कीजिए और यहाँ पर आपके गूगल टैग मैनेजर के अकाउंट शो होंगे। इसके बाद में यहाँ पर हम किस अकाउंट को चूज करते हैं, आप यहाँ से भी किसी भी लेवल का एक्सेस प्रोवाइड कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पहले अपने अकाउंट को ओपन करेंगे और इसके बाद में हमें एडमिन पर क्लिक करना होगा और यहाँ पर अकाउंट में हमें यूजर मैनेजमेंट पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर हम एडमिन के रूप में शो होंगे क्योंकि हम इस टैग मैनेजर अकाउंट के एडमिन है। अगर आपको अदर यूजर को ऐड करना है तो उसके लिए आपको प्लस साइन पर क्लिक करना होगा, ऐड यूजर्स पर क्लिक करना होगा और यहाँ पर उस यूजर की आपको वैलिड जीमेल आईडी पुट करनी होगी। हम यहाँ पर अपनी अदर जीमेल आईडी पुट करके आपको कंप्लीट प्रोसेस बताएंगे और उसके बाद में आप अकाउंट परमिशंस में एडमिनिस्ट्रेटर लेवल की परमिशन भी दे सकते हैं। और अगर आप एडमिनिस्ट्रेटर लेवल की परमिशन देते हैं तो इसका मतलब जो पावर आपके पास है वही आपके अदर यूजर के पास वही पावर होगी। और इसके बाद में हम कंटेनर परमिशंस में सेट ऑल पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको पब्लिश, अप्रूव, एडिट और रीड नाम की चार कंटेनर परमिशन शो होगी। अगर आप रीड परमिशन देते हैं तो वो यूजर आपके टैग्स, ट्रिगर्स और वेरिएबल्स को केवल व्यू ही कर पाएगा, वो और कुछ नहीं कर पाएगा। अगर आप उसे वर्क स्पेस, टैग्स, ट्रिगर्स, वेरिएबल एडिट करने की परमिशन देते हैं तो वो यूजर आपका सब कुछ यहाँ पर परफॉर्म कर पाएगा, लेकिन आपके यूजर की परमिशन को मॉडिफाई नहीं कर पाएगा। अगर आप पब्लिश और अप्रूव की देते हैं तो वो यहाँ पर आपके वर्जन को भी पब्लिश कर पाएगा और अप्रूव भी अदर यूजर की कर पाएगा और यहाँ पर उसे कंप्लीट लेवल की परमिशन होगी अगर आप इन चारों को सेलेक्ट करते हैं और डन पर क्लिक कीजिए। इसके बाद में आप एडमिनिस्ट्रेटर लेवल की परमिशन ना दे क्योंकि इससे उस यूजर पर आपकी जितनी पावर हो जाएगी। और इसके बाद में आप यहाँ पर राइट हैंड साइड में इन्विटेशन पर क्लिक कर दे। इसके बाद में उस यूजर पर इन्विटेशन चला जाएगा, आपको यहाँ पर यूजर स्टेटस में इन्विटेशन पेंडिंग दिखा रहा है। अब हम यहाँ पर हमने उसे यूजर रोल प्रोवाइड किया है, हमने जिस जीमेल आईडी को यहाँ पर परमिशन दी है हम उस पर जाएंगे और एक बार अकाउंट को रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पर देखेंगे कि हमें गूगल नोटिफिकेशन नाम की एक जीमेल आई है, हम इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर हम ओपन इन्विटेशन इन गूगल टैग मैनेजर पर क्लिक करेंगे। आपका इस ईमेल आईडी पर भी गूगल टैग मैनेजर अकाउंट होना चाहिए या गूगल टैग मैनेजर में साइन अप होना चाहिए और ओपन इनविटेशन गूगल टैग मैनेजर पर क्लिक करें और इसके बाद में आप गूगल टैग मैनेजर के अकाउंट ओपन हो जाएंगे जिसका एक्सेस है या आपने जो क्रिएट कर रखे हैं। तो हमारे यहाँ पर इनविटेशन पर वो इनविटेशन जो हमने सेंड किया है इस जीमेल आईडी पर वो आ चुका है। अब यहाँ पर हम इनविटेशन पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर हम डिजिटल सेशन आपकी अकाउंट का या कंटेनर का यहाँ पर परमिशन को एक्सेप्ट करेंगे तो एक्सेप्ट पर क्लिक कर देंगे। तो इसके बाद में हम इस अकाउंट को यहाँ पर अब एक्सेस कर पाएंगे डिजिटल सेशन नाम पे और यहाँ पर हम अपने कंटेनर पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हम देखेंगे कि हमें उस कंटेनर का या उस गूगल टैग मैनेजर अकाउंट का एक्सेस सक्सेसफुली एज ए यूजर रूप में मिल चुका है। अब हम यहाँ पर जाएंगे और एक बार अपने ब्राउजर को रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पर एज एक्सेस का ऑप्शन यूजर स्टेटस में शो होगा। आप यूजर मैनेजमेंट पर जाएं और यहाँ पर आपको हैज एक्सेस का यूजर स्टेटस होगा। तो ये प्रोसेस था गूगल टैग मैनेजर के अकाउंट की परमिशन अदर यूजर को प्रोवाइड करने की। और अगर आप अब इस यूजर को अपने इस गूगल टैग मैनेजर के अकाउंट से रिमूव करना चाहते हैं तो आप वो भी बड़ी इजीली कर सकते हैं। आपको यहाँ पर वही प्रोसेस फॉलो करना होगा, अकाउंट पर जाकर यूजर मैनेजमेंट में क्लिक करना होगा और यहाँ पर आपको आपके यूजर शो होंगे। इसके बाद में अभी इस जीमेल आईडी के पास इस अकाउंट का एक्सेस है, जब हम यहाँ पर इसे रिमूव कर देंगे तो इस यूजर के पास इस
गूगल टैग मैनेजर अकाउंट का एक्सेस रिमूव हो जाएगा। तो हम यहाँ पर थ्री डॉट्स होंगे और यहाँ पर हम क्लिक करेंगे और हमें सेकंड नंबर पर रिमूव एक्सेस का ऑप्शन मिलेगा, तो हम रिमूव एक्सेस पर क्लिक कर देंगे और इसके बाद में हम रिमूव पर क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पर जो हमने जीमेल आईडी ऐड की थी, अब उसके पास इस गूगल टैग मैनेजर अकाउंट जिसका नाम डिजिटल सिस है उसकी परमिशन नहीं रहेगी, और आप एक बार वहां पर जाकर इस अकाउंट को रिफ्रेश करें जिसे आपने परमिशन दी है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि वो हमारा अकाउंट जो हमने एक्सेस कर रखा था वो सक्सेसफुली रिमूव हो चुका है। तो ये प्रोसेस था गूगल टैग मैनेजर के अकाउंट से यूजर को या यूजर एक्सेस को रिमूव करने का। अगली वीडियो में हम आपको बताएंगे कि गूगल टैग मैनेजर के अकाउंट में यूजर को एडमिनिस्ट्रेटर लेवल का एक्सेस कैसे दें और उसे कैसे रिमूव करें। आपको हमारी एक ही सलाह है कि आप गूगल टैग मैनेजर का एडमिनिस्ट्रेटर एक्सेस किसी भी यूजर को न दें, क्योंकि अगर आप यूजर एक्सेस देंगे तो वो सब कुछ आपके गूगल टैग मैनेजर अकाउंट में परफॉर्म कर पाएगा। अगर आप एडमिनिस्ट्रेटर लेवल एक्सेस देते हैं तो वो आपको इतनी पावर रखता है कि वो आपको आपके अकाउंट से भी रिमूव कर सकता है। तो ये प्रोसेस था गूगल टैग मैनेजर अकाउंट में यूजर को ऐड और रिमूव करने का या यूजर एक्सेस को ऐड और रिमूव करने का। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो आप इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर हमें सपोर्ट करते रहें। आपकी गूगल टैग मैनेजर एंट्री से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में टाइप करें, हम उस पर वीडियो क्रिएट करेंगे और आपको अपनी वीडियो में मेंशन भी करेंगे। आपका इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।